हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कोल्ड वॉर होता क्या है, क्योंकि मिलिट्री वॉर तो वो देखे हैं, दो आर्मीज लड़ते हैं, फिर कोल्ड वॉर कहां से आ गया, राइट? ये क्वेश्चन सबको आता है। चलो आज देखेंगे। कोल्ड वॉर का ओरिजिनेट हुआ था यूएस और रशिया दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। एक तो है कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था 1945 के बाद। मतलब क्या है, एक आर्मी दूसरी आर्मी के ऊपर हमला करने का दौर खत्म हो गया था, उसके बाद में चला था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आप याद रखें दैट इज यू आर डन। पहली बात तो कोल्ड वॉर में टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी बतानी है। रशिया या चाहे यूएस में, दोनों में हम ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, ये बताना है। टेक्नोलॉजी एक इंग्रेडिएंट होता है। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे पास इकोनॉमिक पावर है, बड़ी सी इकोनॉमिक साइज है, हम हर गुड और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट कोल्ड वॉर।